बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है कि मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो व्यूअर्स, हमेशा की तरह से आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें। जिस तरह से आप लोग जो भी इस शहर में हैं या इस शहर से बाहर हैं, मुल्क से बाहर हैं, उन सब से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हम वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आप लोगों ने जितनी मेरी सपोर्ट की है उसके लिए भी मैं आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट के बिना तो मेरा कोई भी चैनल जो है ना आगे नहीं जा सकता था। इसलिए आप लोगों ने मेरी बड़ी सपोर्ट की है, इसलिए आप लोग आगे भी इस तरह मेरे जो है चैनल को सपोर्ट करते रहें तो इंशाल्लाह मैं भी आप लोगों को अच्छे से अच्छे व्लॉग बना के दिखाती रहूँगी। तो आज जो है ना हमारे कुछ मेहमान आए हैं, उनसे भी आप लोगों की मुलाकात करवाऊँगी। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक। तो आज है ना हम इनके लिए कुछ खाना भी बनाएंगे। तो आज मैंने गोश्त और जो है ना कद्दू का सालन बनाना है। आज मैंने खाना मैंने बनाना है। आप तो ठीक है, आज दोनों मिलकर बना लेंगे, मैं आपकी हेल्प करवाऊंगी। तो ये मेरी कजन भी है, दोस्त भी है और साथ में मेरी नंद भी है, तो हम दोनों की काफी अच्छी दोस्ती है। तो आज हम लोग जो है ना, वैसे भी हम कोई भी काम करें एक साथ भी कर लेते हैं, लेकिन आज ये हमारे घर आए स्पेशली कह रहे हैं कि आज हम खाना जो है दोनों साथ में बनाएंगे। तो इंशाल्लाह खाना भी बनाएंगे और आप लोगों से शेयर भी करेंगे, लेकिन आप लोगों ने हमारी वीडियो से जुड़े रहना है। मेरी कज़न तो आई हुई है, लेकिन इनके हस्बैंड जो है ना, वो उसकी आपी है डेली रूटीन वाली, उनके घर गए हैं, तो थोड़ी देर में वो भी आ जाएंगे, तो उनसे भी आप लोगों की मुलाकात हो जाएगी। वैसे तो आप लोग उसके चैनल को भी देखते हैं, आपकी हर रोज़ उससे मुलाकात होती है, लेकिन फ़िलहाल वो अभी आने ही वाले हैं। लेकिन अभी जो है ना हम जो खाने की मिसालें हैं वो इकट्ठे कर लें, फिर आप लोगों को बना के भी दिखाएंगे। तो शुरू करते हैं। तो व्यूअर्स, मैंने आग जला ली है, तो अब इसमें लकड़ी वगैरह इकट्ठी ही डाल देती हूँ, क्योंकि लकड़ी थोड़ी जो कम है। तो इसमें मैंने कुछ ठापियाँ भी डाल दी हैं और भी कुछ पड़ी हैं, तो कुछ और भी डाल लेती हूँ, तो इनसे आग काफ़ी अच्छी जलती है। तो देखें, मेरी कज़न जो है ना बड़ी हेल्प कर रही है। इसमें जो है ना इसमें घी डाल दिया है, अभी जो है ना और मसाले भी हम इसमें डाल देते हैं, टमाटर और हरी मिर्ची इसमें डाल दिए, लहसुन भी साथ में था और प्याज भी। तो हम इसको थोड़ा सा गर्म होने दें, लहसुन भी डाल दें और इसमें नमक भी डाल देते हैं। तो ख़ास तौर पर आज मैंने इन लोगों के लिए जो है ना देसी मुर्गा बनवाया है, तो इन लोगों को जो है ना बड़ा पसंद है। बाहर की जो है ना गोश्त हमने पहले भी लिया था, लेकिन ये कह रहे थे कि आज हमें जो है ना देसी मुर्गा बना के खिलाएं, इसलिए हमने जो ना देसी मुर्गा मंगवाया है। तो अब हम इसमें लाल मिर्च डालेंगे, कम है बस काफ़ी है, थोड़ी जोर डाले। तो अब हम इसमें जो है ना हल्दी भी डाल देते हैं, तो व्यूअर जिसका हमें इंतज़ार था वो आने वाले हैं सिकंदर भाई, क्योंकि वो अपने आपी के घर से आ चुके हैं। तो मैं आप लोगों की उनसे मुलाकात भी करवाती हूँ, साथ में जो है ना अभी वो थोड़े से पीछे हैं तो अभी आने ही वाले हैं। वालेकुम सलाम, कैसे सिकंदर भाई? आज हम आपकी पसंदीदा गोश्त और जो है ना उसके साथ कद्दू मिला रहे हैं। तो आप मिर्च थोड़ी आज आपने कम डालनी है, क्योंकि मिर्च जो है ना मुझे डॉक्टर ने मना किया है कि वो कहता है आपकी मैदे का जो है ना मसला है। मिर्चें वैसे भी मैं कम डालती हूँ, क्योंकि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं ना, इसलिए वो मिर्चें कम ही खाते हैं, इसलिए मैं हर जो है ना सालन बनाती हूँ उसमें मिर्चें कम डालती हूँ। मुजम्मिल क्या कर रहा है? देख रहा है कि हम सालन कैसे बना रहे हैं। जो सिकंदर भाई हमारे पास आए तो हमारी उनसे मुलाकात होगी, लेकिन उनकी बेटी जो है ना हुरिया वो अकेली थी, क्योंकि उनकी वाइफ हमारे पास जाए हमारी आज थोड़ी सी हेल्प कर रही है। तो उसका अबू है ना सिकंदर भाई, वो हुरिया के पास ही बैठे हैं। तो आप देख रहे हैं कि हमारा मसाला जो है ना बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो हाँ, तो हम इसमें जो है ना गोश्त डालेंगे। सबसे पहले मैंने धो ली, तो पहले भी मैंने इन्हें अच्छी तरह से धो लिया था। और ये कद्दू भी मैंने काट के अच्छी तरह से धो के रखे हुए, ये भी मैं इसमें डाल देती हूँ। तो अब हम इनको अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। तो अब पानी डालें,
पानी भी थोड़ा सा डाल देते हैं क्योंकि कद्दू होते पक के गल जाए, थोड़ा सा और डाल दें। तो आप इसको मिक्स कर कमल जब तैयार हो सकेगा फिर पानी डालेंगे। हाँ जब अभी तो है इसमें थोड़ा सा पानी डाला ताकि ये अच्छी तरह से गल जाए, तो अभी हम इस पर प्लेट देकर इसको थोड़ी देर के लिए पकाते हैं। तो व्यूअर्स हमारा जो सालन अभी कुछ देर है तो आप देख रहे हैं अभी ये अच्छी तरह से गला नहीं है, इसमें पानी काफ़ी सारा जो है ना अभी है, तो ये अच्छी तरह से गल जाएगा। फिर हम इसमें बोनी लगा के फिर हम इसमें पानी डालेंगे। तो अभी अच्छा, तो अभी फिलहाल हम जो है ना हुरिया का दूध गर्म कर लेते हैं क्योंकि बाजी जो है ना यहीं पर बैठी हैं, तो हुरिया रो रही है, रोने लगी है अभी। तो अभी मैं उसके लिए दूध जो है ना गर्म कर देती हूँ। दूध पीती है ना, तो इसलिए एक डब्बे वाला पीती है और दूसरा जो है ना गाय का पीती है। तो अभी जो है ना रोने लग गई है, तो इंजेक्शन लगा हुआ है, तो दूध भी गुस्से से बहुत ज़्यादा पी जाती है। तो ठीक है, अभी हम इसको उतार देते हैं क्योंकि बच्ची है उसे ज़्यादा रोने नहीं देते हम लोग, इसलिए जो है ना दूध हम पहले इसको उबाल कर फिर जो है ना हुरिया को जो है ना ठंडा करके उसे उसका अबू दे देगा, तो हम सालन पका लेंगे। तो व्यूअर्स आप देख रहे हैं कि दूध जो है ना अच्छी तरह से उबाल आ चुका है, इसे जो है ना बिल्कुल अच्छा और पक गया है। तो अब जो है ना सालन में ऊपर रख देती हूँ। तो बाजी आप ऐसा करें कि दूध जो है ना हुरिया को ठंडा करके दे दें, फिर आप आ जाइएगा। आप देख रहे हैं कि मैंने आटा पहले से ही गूंद के रखा हुआ है क्योंकि सालन अभी जो है ना तैयार हो जाएगा, तो उसके बाद तंदूरी पे मैंने इसकी रोटी बनाऊंगी। तो इंशाल्लाह सालन तैयार होने में अभी थोड़ी देर है। देख रहे हैं कि ये जो मैंने पानी डाला था इसमें जो है ना ये कद्दू और जो है ना जो गोश्त है ये अच्छी तरह से गल जाएगा। फिर हम इसको बोनी लगाएंगे, फिर दोबारा से इसमें पानी डालेंगे, फिर इसका जो है ना छोरा बनाएंगे। अब देख रहे हैं सालन तैयार हुआ है नहीं वो। तो व्यूअर्स आप देख रहे हैं कि सालन जो है माशाल्लाह से अच्छी तरह से गल चुका है, कद्दू भी और साथ में गोश्त भी। तो आप देख रहे हैं इसको बोनी आने वाली है, तो अच्छी तरह से जो है ना हम इसको अच्छी तरह से गाला है ताकि इसका जो है ना सालन काफ़ी अच्छा बने, तो इसका जो है ना शोरबा भी काफ़ी जो है ना अगर मसाला हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे तो जो इसका शोरा है ना वो भी अच्छी तरह से जो है ना गाढ़ा और काफ़ी मज़ेदार का होता है। तो इसको बोनी आ चुकी है, तो अब इसमें मैंने पानी डालूंगी और अब हम इसको जो है ना मिक्स कर देते हैं। काफ़ी है, तो आप जो है ना हम इसको थोड़ी देर के लिए और पकाएंगे। और इसके बाद मैं आपको एक बात और बताती चलूं कि जो भी सालन हम जो है ना छोरे वाला बनाते हैं उसमें थोड़ा सा ना आटे के ना थोड़ा सा छिड़काव करते हैं ताकि जो है ना इसका छोरा जो है ना वो गाढ़ा बने और अच्छा बने। तो व्यूअर्स आप देख रहे हैं कि मैंने इसमें पानी तो डाल दिया था, अब जो है ना मैं इसमें थोड़ा सा आटे का छिड़काव करूँगी ताकि इसका जो छोरा है ना वो अच्छा बने। मिक्स कर और अब इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे। तो व्यूअर्स सालन जो है ना तैयार होने वाला है, उसके बाद जो है ना आज मेरी कज़न आई है तो इसके शौहर भी इसके साथ आए, तो इनके लिए तो दूध की रोटी भी बनाऊंगी और आप लोगों को भी बना के दिखाऊंगी। देखते हैं कि सालन को बनने में कितनी देर है। तो आप देख रहे हैं कि इसमें मैंने आटे का छिड़काव भी किया है, तो आप देख रहे हैं ये काफ़ी गाढ़ा हो रहा है। तो लेकिन अभी इसमें जो है ना 10-15 मिनट के लिए अभी और भी पकाएंगे ताकि ये अच्छी तरह से गाढ़ा हो और अच्छा सालन बने। तो सिकंदर भाई भी आ चुके हैं और आप आएँ और बताएँ कि कितनी देर बाकी है। आप भी काफ़ी माशाल्लाह से अच्छी कुकिंग कर लेते हैं, तो अगर अभी देर है तो हम थोड़ी देर, आप लोगों को भूख भी बड़ी लगी होगी। भूख तो लगी है बहुत। तो 10-15 मिनट इंतजार करें, आज मैं को आप लोगों को जन अपने तो हाथ कर आ रहे हैं, बस थोड़ी देर इंतजार करें, आज मैं इन लोगों को जन अपने हाथ से तंदूर की रोटियां बना के खिलाऊंगी क्योंकि मैं बड़ी अच्छी तंदूर की रोटियाँ लगाती हूँ। तंदूर का एक फायदा होता है, यहाँ पर खाना भी बना लिया और बाद में जो है ना यहाँ पर रोटियाँ भी लगा ली। हाँ ये बड़ा फायदा होता है, लकड़ी भी कम इस्तेमाल होती है और जो है ना खाना भी जल्दी बन जाता है।
व्यूअर्स, आपको मैं बताती चलूँ कि मेरा जो सालन है वो तैयार हो चुका है अच्छी तरह से। तो अब मैं इसको उतारती हूँ। तो जो मेरी कज़न मेरी बाजी है उनकी असल में जो ना हुरिया जो ना रोने लग गई है, तो उसको जो ना थोड़ा सा संभालने के लिए, जब वो चुप हो जाएगी तो मैं उनके लिए तब तक जो है ना तंदूर की रोटियाँ भी लगा लेती हूँ, तब तक वो भी आ जाएगी। तो अभी जो है ना मैं इसको नीचे उतारती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कि हम रोटियाँ कैसे लगाते हैं। तो ये पानी मैं ले आई हूँ और आटा भी मैंने थोड़ी देर पहले गूंद के रखा था, तो माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा बना हुआ है। तो इसमें थोड़ा सा जो है ना पानी का छिड़काव करेंगे और इसमें इस तरह रुमाल से इसको चार चौफेर से ऐसे लगाएंगे और फिर हम जो है ना तंदूर की रोटी बनाएंगे। अब मैं लगाने लगी हूँ। तो इसमें आग भी काफ़ी है तो हाथ जलने लग जाता है। तो आप देख रहे हैं अभी भी काफ़ी आग है इसमें। इसकी एक बात और अच्छी है कि इसमें आसानी से, तो आप देख रहे हैं मैं तीन जो है ना रोटियाँ इसमें इकट्ठी लगा लूँगी तो रोटी जो है ना जल्दी पक जाएगी। तो दो रोटियां मैंने लगा ली हैं, अब तीसरी लगाने लगी हूँ। तो व्यूअर्स आप देख रहे हैं कि मेरी रोटी जो है ना वो अच्छी तरह से पक चुकी है। अब मैंने इसे इसको उतार लिया है तो अब मैं दूसरी रोटी लगाऊंगी। आप देख रहे हैं कि मेरा सारा आटा जो है ना ख़त्म हो चुका है, तो मैंने सारी रोटियां ही लगा ली हैं और माशाल्लाह से आप देख रहे हैं कि कितनी सारी रोटियां मैंने एक जगह ही एक साथ ही लगा ली हैं, क्योंकि इसमें मैंने थापी और जो है ना मोटी लकड़ी डाली थी, तो जो माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी आग इसमें थी, तो रोटियाँ जो है ना बड़ी अच्छी लगी हैं। तो माशाल्लाह से मेरी कज़न और जो है ना इनके हस्बैंड को भी बड़ी भूख लग रही है, तो मैं सारा दिन जो है ना काम करती रही हूँ। मुझे भी बड़ा काम था क्योंकि बच्चे छोटे छोटे हैं तो उनका काम संभालते संभालते सारा दिन गुजर जाता है। तो अब मैंने बच्चों को नहलाकर उन्हें भी खाना देना है। तो अब जो है ना रोटियाँ मैंने लगा ली, मैंने जो है ना खाना बना लिया है, सालन भी और रोटियाँ भी तंदूर की लगा ली हैं। तो अब इन्हें बड़ी भूख लग रही है तो इन्हें मैं देती हूँ, क्योंकि काफ़ी देर से ये बैठे हैं भूखे। बच्चे पहले शुरू हो गए, बच्चे को मैंने पहले ही दे दिया था, तो आप शुरू करें, साथ में पानी लेके आती हूँ। इनको मैंने खाना दे दिया है, साथ में मैंने जो है ना बर्फ़ का मंगवाई थी, क्योंकि ये लोग जो है ना ज़्यादातर ठंडा पानी पीते हैं, तो इनके लिए मैंने बर्फ़ मंगवाई थी, तो ये ठंडा पानी मैं बना के लाई हूँ। तो अभी जो है ना खाना शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये पानी भी है, आप पी लें। माशाल्लाह खाना बड़ा ज़बरदस्त बना है और हमें भूख भी बहुत लगी है, क्योंकि 5-6 घंटे हो गए हैं यहाँ पर आए हुए, और हमने चाय बना के पी थी पहले। तो व्यूअर्स आज स्पेशली मैंने और मेरी कज़न ने साथ मिलकर खाना बनाया है, क्योंकि गोश्त तो हम हर वक्त ही खाते रहते हैं, लेकिन साथ में जो है ना इन्होंने ज़्यादातर ये आलू डालकर जो है ना सालन बनाते हैं, लेकिन मैंने इन्हें शौक़ था कि इन्हें कद्दू वाला और जो है ना गोश्त का सालन एक साथ बना के, इसलिए मैंने कद्दू की सब्ज़ी तो मेरी अपनी है इसलिए मैंने वहाँ से तोड़ के लाई थी। तो गोश्त मेरे मामू जो है ना बाहर से लेके आए हैं, तो हमने साथ मिलाकर जो है ना इसको बना लिया है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को हमारी आज की वीडियो और रेसिपी बड़ी पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह आप लोग इसी तरह हमारे जो है ना चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और इस तरह शौक से देखते रहें, क्योंकि आज की वीडियो भी बड़ी अच्छी बनी है। और हमेशा की तरह से मेरी आप लोगों से यही छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि आप लोगों ने हमारी वीडियो को मुकम्मल वॉच करना है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलते हैं, तब तक जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, यही दुआ होती है मेरी हमेशा के लिए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।